की 11 खबरें आप देख रहे हो। रही सबसे पहले बात करेंगे अल्वेश यादव की। अल्वेश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस की चार्जशीट। नोएडा पुलिस ने अल्वेश के खिलाफ जो मोर्चा खोला हुआ है उसमें आपको जानकारी दे रहे हैं कि अल्वेश यादव से 121 सवाल पूछे गए हैं। न्यूज 18 पर सवालों की एक्सक्लूसिव कॉपी भी आप देख सकते हैं। न्यूज 18 पर सवालों का पूरा दस्तावेज इस समय आप देख सकते हैं। अल्वेश ने माना है सांपों के साथ बनाया हुआ वीडियो, सांप के मुंह को पकड़कर वीडियो शूट करने की बात कबूली अल्वेश यादव ने। अल्वेश को पहले से पता था काम गैरकानूनी है, सांप का जहर कहां किसके पास है नहीं बताया। कई सवालों का अल्वेश ने जवाब नहीं दिया। एक बार हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और एक बड़ा कबूलनामा अल्वेश यादव का। 121 सवाल पूछे हैं पुलिस ने अल्वेश यादव से। किन किन सवालों के जवाब दिए हैं, किन किन सवालों पर जवाब नहीं दिए हैं, विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि अल्वेश यादव जब गिरफ्तार किया गया था तो उससे जब रिमांड पर लिया गया था तो 121 सवाल दागे थे नोएडा पुलिस ने, और उसमें शुरुआत से लेकर अंतिम तक एक एक सवाल पूछे गए थे, जिसमें सबसे मुख्यतः सवाल यही थे ये पार्टी कहां कहां की गई थी, विनय यादव, ईश्वर यादव इनके संपर्क में कब आया था, और जो सबसे बात है कि वर्चुअल नंबर से इन लोगों से बातचीत की जाती थी, कौन कौन दोस्त हैं, रेव पार्टी कहाँ होती थी, क्या रेव पार्टी गैर कानूनी है, सांपों से प्रेम है या नहीं, में कोई पालतू जानवर है या नहीं, इस तरीके के तमाम सवाल यानी करीब 121 सवाल पूछे गए हैं। परिवार के बारे में पूछा गया है, वीडियो बनाने का कब से ये खुमारी शुरू हुई, कब से इस तरीके के वीडियोस बना के यूट्यूब पे शेयर करना शुरू किया, पूरा इतिहास जानने की कोशिश की, और कुछ ऐसे सवाल थे ये जिसमें सबसे मुख्यतः सवाल यही कि क्या ये जानकारी है कि ये सांपों का जहर जो जिस तरीके से आते हैं राहुल कोई संपर्क है या नहीं, इस पर उलझा हुआ दिखाई दिया है यादव और साफ तौर पे इनकार किया। इसके बाद नोएडा पुलिस ने आगे की विनय यादव, ईश्वर यादव जिनको बाद में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया इस पूरे प्रकरण में, उनसे कबूलनामा जरूर किया है कि हाँ उनसे परिचय है, सबसे बातचीत होती थी निकाला है आज के दौरान और अपनी डिटेल जानकारी के दौरान नोएडा पुलिस जब इन्वेस्टिगेट कर रही थी। हिमांशु, मतलब ये मान के चलिए, देखिए कि छोटी सी उम्र में इतने बड़े यूट्यूबर बन गए, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग बना ली, लेकिन अब अल्वेश ने सांपों के साथ वाला जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था और इसके बाद ही पुलिस हरकत में आई थी, इस पर उन्होंने अपना कबूलनामा दे दिया, तो मतलब मान के चलें कि आने वाले समय में और ज्यादा परेशानियां अल्वेश यादव के लिए बढ़ने ही वाली है इस कबूलनामे के बाद तो खास तौर पर। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से उस पर्टिकुलर वीडियो जिसमें सांप से खेलता हुआ दिखाई दे रहा है अल्वेश यादव और उसका कबूलनामा किया है, हालांकि आपको बता दें उन सवालों की फेरिस्त में जब ये सवाल पूछा गया कि उस दौरान कौन कौन साथ में था जब ये वीडियो बनाया रहा था, उस पर चुप्पी जरूर साधी अल्वेश यादव ने, हालांकि उस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अल्वेश सांप से खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने पसंद के जो प्रजातियां हैं सांपों की वो भी पुलिस से साझा की उसने, यानी डिटेल्ड एक पूरी तरीके से कहें तो जो नोएडा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, फिलहाल ये पूरा मुकदमा अब ट्रायल पर है कोर्ट में और अल्वेश 5 दिन जेल भी रहा है यहाँ पर नोएडा की जेल में, लिहाजा ये पूरा मैटर ट्रायल में, और दूसरी तरफ ईडी ने भी अपनी पूछताछ इस पूरे प्रकरण में शुरू कर दी है और ईडी पीएमएलए एक्ट के तहत प्रिवेंशन ऑफ काउंटरिंग एक्ट के तहत भी कि किस तरीके से तो मतलब अल्वेश यादव के कुछ सवालों के जवाब से ये भी देखा जा सकता है कि कुछ लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए जाहिर पे कुछ सवाल ऐसे थे जिनमें उसने चुप्पी साधी और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि वो अपने दोस्तों को बचाता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और खासतौर पे उस पर्टिकुलर वीडियो की बात करें जिसमें अल्वेश साहब के साथ दिखाई दे रहा है उस पर चुप्पी साधी हुई है, उस पर कुछ भी नहीं बोला अल्वेश। ओके, हिमांशु शुक्ला बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए आप इस खबर पर।